बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम शरीफ साहिबा के शुक्र गुजार है कि आज उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहली जलसा के मेजबानी की है। हम आप सब के शुक्र गुजार है। मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मियां इफ्तिखार साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अचक साई साहब, जमाल दीनी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, नूरानी साहब, हम सब अपने परचम लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एपीसी के नतीजे में हमारे रेजोल्यूशन था, हमारे मंशूर था, हम सब मिलके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले, इसलिए कि ये मेरा पहला मौका है कि मैं गुजरांवाला के आवाम से मुखातिब हूं, तो मुझे अपने मैं आपको आपके साथ उन बहादुर गुजरांवालों के शहरियों का नाम शेयर करना चाहता हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले होते हुए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के शहादत के बाद अदालती कत्ल के बाद अपने आप को देखो, ये होता है सियासी कमिटमेंट। खुद को जिंदा जला दिया। गुजरांवाला का अब्दुल वहीद कुरैशी, गुजरांवाला का याकूब परवेज खोकर, गुजरांवाला का शेख गुल मोहम्मद और गुजरांवाला का जुबैर शाद, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज भी भुट्टो जिंदा है। गुजरांवाला वालों, 2 साल हो चुके हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? कौन सी तब्दीली आई? आज वो किसान जो गंदम उगाता है उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो मजदूर जो घर बनाता है उसके बच्चों के सर पे छत नहीं, वो मेहनतकश जो कपड़ा बनाता है उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत
तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। जब पाकिस्तान टूट चुका था, जब पाकिस्तान टूट चुका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान तकसीम हो चुके थे, तब भी हमने ये हालात नहीं देखे थे। जब 2009 में, जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल नहीं देखा था। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया दर्जन, आलू 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया किलो, प्याज 80 रुपया किलो। ये है जहां महंगाई भर रही है वहां बेरोजगारी भर रही है। नौजवान दो दो डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। गरीब तर होता जा रहा है। सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है। मेहनत काश और मजदूर के चूल्हे बंद, ताजरों के दुकानें बंद, मिल वालों के मिले बंद, फैक्ट्री वालों के फैक्ट्रियां बंद। ये है इमरान और इमरान के सेलेक्टर्स का तब्दीली। ये किस किस्म की तब्दीली है? बोहरान ही बोहरान है। आटा की बोहरान है, चीनी की बोहरान है, दवाइयों की बोहरान है, बिजली की बोहरान है, गैस की बोहरान है। और ये कहते हैं कि ये माजी के हुक्मरान के कसूर है। मैं पूछता हूं कि क्या वो बघोरा सर्टिफाइड गद्दार कातिल मुशर्रफ ने बोहरान नहीं छोड़ा था? हर दूसरे दिन दहशतगर्दी के हमले होते थे मगर हमने फिर भी बीबी का वादा निभाया और स्वात में पाकिस्तान के परचम लहराया। तब भी आटा का बोहरान था। तब भी आपको आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता था। तब भी गंदम इंपोर्ट होता था। हमने एक साल के अंदर ही अंदर सेल्फ सफिशिएंट हुए। दो साल के अंदर ही अंदर हमने गंदम बैरूने मुल्क बेचने शुरू कर दिया। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस को 400 फी मंथ से लेके 1200 फी मंथ तक पहुंचा दिया था। तब भी मुआशी बदहाली थी। तब भी महंगाई था। आपको इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट याद होगा कि खजाने खाली है। 2009 का फाइनेंशियल रिसेशन, दो सैलाब, IMF तब भी था मगर हमने आवाम को लावारिस नहीं छोड़ा।
हमने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा, हमने गरीब तरीन औरतों के लिए इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, हमने पेंशन्स में बुजुर्गों की पेंशन्स में 150% इजाफा किया, हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया, और हमारा फौज के लिए हमारा सिपाही के लिए जो बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे थे, शहादत कबूल कर रहे थे, उनके लिए हमने उनका तनख्वाह 175% इजाफा किया था। ये होता है अवामी हल महंगाई का, अवामी हल दहशतगर्दी का, अवामी हल आटा का बोहरान का। और इमरान का हल क्या है? महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हल आपके मिसाइल के लिए। वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, करोड़ों बेरोजगार है। वादा किया था कि 50 लाख घर दूंगा, लाखों को बेघर कर दिया। वादा किया था कि कर्ज नहीं लेगा, दो साल में इसने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज उठा लिया। वादा किया था जराए इनकलाब लाने का, उनके अमीर तरीन वुजरा के बैंक अकाउंट्स में जरूर इनकलाब आया, मगर हमारा किसानों के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म। पहले गन्ने में और अब गंदम में। वादा किया था करप्शन का खात्मा का, करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उनका अपना अकबर एस बाबर, पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर, बुनियादी रुकन, वो कहता है कि उसके पास सबूत है कि पीटीआई की फंडिंग भारत और इजराइल की शहरियों करते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। बीआरटी केपी का, पख्तूनख्वा का बीआरटी मंसूबा, उसमें इतना करप्शन, मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो, उनके बसे आज खुद चल रहे हैं, मगर कोई अस खुद नोटिस नहीं लेता। के इलेक्ट्रिक और इमरान का फ्रंटमैन जो आलमी करप्शन में बहरूने मुल्क पकड़ा गया, इमरान खुद अपना एफआईए को कहता है कि मेरा दोस्त को क्लीन चिट दो। कोई सिलाई मशीन से अरबपति बनती है, कोई पापा जॉन्स पिज्जा से अरबपति बनता है। उनके अपने दोस्तों के नाम पनामा में है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। चीनी में करप्शन, आटा में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन, यहां तक के दरख्तों में भी करप्शन। आप सबको ये पता है कि आम आदमी के लिए करप्शन भरी है थानों में, कचहरियों में। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन का इजाफा हुआ है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है, ये किस किस्म का मजाक है कि सदर जरदारी पे इल्जाम लगे तो वो चले जेल, मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगे तो जेल, फरियाल तालपुर साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मगर इमरान पे इल्जाम लगे, अलीमा बाजी पे इल्जाम लगे, आसिम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे और कोई उनसे पूछता तक नहीं। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है, वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है मगर गवर्नेंस माइनस में है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया, पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया, क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? इतना तो तय है कि आवाम से पूछा तक नहीं। ये किस किस्म का मजाक है? पंजाब की हुकूमत उनके पास, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास, और आप मुझे बताएं क्या इन्होंने एक मंसूबा मुकम्मल किया है? एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल पंजाब के 2 साल में या पख्तूनख्वा के 7 साल में इन्होंने नहीं बनाया है? शहबाज शरीफ साहब से आप 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस खड़ा कर दिया। आपने क्या किया इमरान, आपने क्या किया? अब जब पंजाब का फनकार शौकत अली साहब बीमार पड़ता है तो फिर वो सिंध की खैरपुर की तहसील गंबट जाके मुफ्त इलाज करवाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज करवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप 100 इख्तलाफात रख सकते हो मगर आप इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मैंने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया। इमरान तूने क्या किया?
आप तो सारे सूबे के वसाइल काट रहे हैं। जब सूबों का हक नहीं मिलेगा, जब एनएफसी अवार्ड पूरा नहीं होता, इस साल पंजाब को 500 अरब रुपया कम मिला है। पंजाब को 500 अरब रुपया कम मिला है। आप जरा सोचे, 500 अरब रुपया के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप गुजरांवालों के नौजवानों को कितना रोजगार दे सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप इसी गुजरांवाला में कितने हॉस्पिटल्स, कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है। पंजाब के अवाम का पैसा है, कोई आप एहसान नहीं कर रहा। हम आपका हक, आपका पैसा, आपका वसाइल पीटीआई से छीन के रहेंगे। साथियों, अंदरूनी मसाइल अपनी जगह और अंदरूनी बहरान अपनी जगह। इस सिलेक्टेड ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या हशर किया है। वो सीपैक, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सदर जरदारी और मियां साहब ने पाकिस्तान का गेम चेंजर बनाया था, आपने उस पे ब्रेक्स लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, मगर इनका वजीरे खारजा के महंगे तरीन स्टेटमेंट के बाद अब इन ताल्लुकात को भी धचका लगा है। एक किसी शहजादा का ड्राइवर बनना से, किसी शहजादा के ड्राइवर बनने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। वो इसी पंजाब था, यही पंजाब था जिसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे मुस्लिम उम्मा की क़यादत को इकट्ठा कर दिया और ये नालायक, ये नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम कश्मीर पे भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं कर सकता। क्या ये समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं? क्या ये समझते हैं कि हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है, कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया है? कान खोल के सुन लो इमरान, ये हर पाकिस्तानी का नारा है, ये गुजरांवाला का नारा है कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा। जब पुलवामा हमले के बाद इमरान कहता है कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, ये वही इलेक्शन है जिसकी मैनिफेस्टो में मोदी ने लिखा था, मोदी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर देगा। इसको ये पता था, इमरान खान को यह पता था। इसके बावजूद इमरान ने मोदी का जीतने का ख्वाहिश का इजहार किया और जीतने के बाद मोदी ने कश्मीर पे तारीखी हमला कर लिया। मोदी ने कश्मीर पे हमला कर दिया और इमरान मगरमच्छ के आंसू रोते रहे और कुछ नहीं किया। ये तो तारीखी हमला था,
तारीखी हमला था, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पे हमला था, मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने का साजिश था, कश्मीरियों के को एक साल से घरों में बंद रखा है, उनके सारे के सारे सियासी की आदत को कैद में रख दिया है, 10 लाख फौज, 10 लाख हिंदुस्तान के फौज, 1 करोड़ शहरियों का, 1 करोड़ कश्मीरियों के कैद में रखे हैं, नौजवानों को पैलेट गन से अंधे किए जा रहे हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है, स्कूल्स बंद है, दवाइयां नहीं मिल रहा, बाजारों बंद है, कारोबार बंद है, और मोदी का चलाकी देखे, अगस्त 5, 2019 को 370 का खात्मा कर दिया, और एक साल बाद 5 अगस्त 2020 पे पूरा हिंदुस्तान ने ये दिन शोक का दिन मनाना था, कश्मीरियों का कैद का दिन शोक के तौर पे मनाया जा रहा था, मगर मोदी ने उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को और तकलीफ दी है। अब वो कश्मीरियों के कैद के दिन को जश्न का दिन मना रहे हैं। अब बुचर ऑफ गुजरात मोदी बुचर ऑफ गुजरात से बुचर ऑफ कश्मीर बन चुका है। इमरान का जवाब क्या था कि हर जुम्मा पे एहतजाज होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जुम्मा पे हुआ था। इन्होंने कहा था कि ये कश्मीरियों के सफीर बनेंगे, ये तो कुलभूषण यादव के वकील बन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खुद पहुंच चुका है कुलभूषण यादव को वकील करने के लिए। रात के अंधेरों में पार्लियामेंट से छुपा के, नेशनल असेंबली से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के आवाम से ये बात छुपा के इन्होंने कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। अगर मोदी का हाथ में हमारा जासूस आ गया होता, सोचिए क्या करता। उसने हमारा जासूस को परिंजरे में बंद करना था और पूरी दुनिया को दिखाना था। मोदी ने इस बात को लेके दुनिया में ढोल बजाना था और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना था, जहां हमने कुलभूषण के साथ क्या किया है। हमें तो कुलभूषण यादव को रोड शो पे लेकर जाना था, कुलभूषण यादव के टेप्स को, कुलभूषण यादव के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को पूरी दुनिया को दिखाना था। भारत का तशूसी, भारत का दहशतगर्दी कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक बेनकाब करना था, मगर इस सिलेक्टेड ने, इस नाअहल ने, इस नालायक ने कुलभूषण यादव को NRO दे दिया है। इस ऑर्डिनेंस की सूरत में ये सिलेक्टेड कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ क्या करता है, आजाद कश्मीर का हमारा वजीर आजम पे गद्दारी के पर्चे काटता है। ये जो सिलेक्टेड कठपुतलियां हैं, ये खामोश रहे अगर उन्होंने रहना है,
मगर गुजरांवाला का गैरतमंद आवाम जब तक कश्मीरी बहनों और भाइयों के खून के आंसू निकल रहे हैं, जब तक हमारी कश्मीर के नौजवान उनके हक के लिए जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप खामोश नहीं रख सकते। आप कश्मीरियों के आवाज बनेंगे और हम मिलके उनके हुकूक दरवा के रहेंगे। गुजरांवाला सेलेक्टेड ने सेलेक्टेड से कश्मीर नहीं बच सका, करप्ट सेलेक्टेड से ना पंजाब या ना वफाक चल सका। सेलेक्टेड ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, सेलेक्टेड ने हमारा मईशत को तबाह कर दिया। कठपुतली राज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। ऐसा क्यों है कि आवाम का मसाइल क्यों हल नहीं हो रहा, पाकिस्तान के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? इसलिए कि अब 2020 है और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वो बुनियादी फैसले जो हर मुल्क अपने कयाम पे करते हैं कि क्या हमें आमरियत होना चाहिए या जमहूरियत होना चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या रूल ऑफ जंगल होना चाहिए, क्या हमारे अवाम को आजाद होना चाहिए या गुलाम होना चाहिए। हम आज तक ये फैसले नहीं कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने तो कब से ये फैसले कर चुके हैं, मगर हमारा रियासत आज तक हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं। फातिमा जिना ने पार्लियामानी जमहूरियत के लिए जिदोजहद की तो उसको गद्दार करार दे दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आईन दिया, अवाम को आवाज दिया, मजदूर को हक दिया, किसानों को जमीन दिया और उसको शहीद कर दिया गया। 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर में तारीखी इस्तकबाल हुआ, इसी गुजरांवाला में तारीखी जलसा हुआ। मुतालबात तब भी वही थे कि जमहूरियत बहाल करो, मुतालबात तब भी वही थे जमहूरियत बहाल करो, अवाम को हुकूक दो, अवाम को आजाद करवा दो। 1998 में यही मुतालबात थे इसी गुजरांवाला में। फिर 2007 में शहीद बीबी तो ये गुजरांवाला पहुंच नहीं सके। 2007 में यही मुतालबा थे कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो, मगर 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग रावल पिंडी में शहीद कर दी गई। और आज 2020 है और उसी गुजरांवाला में हम सब आपके सामने खड़े हैं। वही मुतालबात है, वही डिमांड्स है कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो। ये सिलेक्टेड हुक्मरान ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। मैं पूछता हूं कि ये किस किस्म की आजादी है, ये किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, ना सियासत आजाद। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू नहीं चल सकता, साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता, मगर एपीएस के बच्चों के कातलों एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चल सकता है। वो आजाद मीडिया जो गरीब का आवाज था, जो मजलूम का आवाज था,
आज उस आजाद मीडिया पे ताला लग चुका है। अदालत, अदालत जो इंसाफ का अदारा है, अवाम का हकूक कर तहफ़ करने वाला अदारा है, आज अदालत खुद दबाव में है। ये आजाद अदलिया के मुंह पे तमाचा है कि द चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस काइज़ी फैज ईसा और उसकी बीवी पेशियां भुगत रहे हैं। पार्लियामान, पार्लियामान वो सबसे सुप्रीम इदारा जहां आपका आवाज उठना था, अवाम का आवाज उठना था, अवाम के मसाइल हल होने थे, उस इदारा को, पार्लियामान को रबर स्टैंप में तब्दील कर रहे हैं। जब भी लेजिस्लेशन करवाया जाता है तो जबरदस्ती करवाया जाता, बजट पास करवाए जाते हैं तो दांडली से आपके बजट पास करते हैं, दांडली से फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाते हैं। जब मीडिया पे ताला लगा हुआ हो, जब अदालत आजाद ना हो, जब पार्लियामान को रबर स्टैंप में तब्दील करने की कोशिश जारी हो, तो फिर हम सब मजबूरन सड़कों पे आ चुके हैं अवाम के आवाज बुलंद करने के लिए, अवाम के हकूक का दिफा करने के लिए, जमहूरियत का बिला दस्ती के लिए। और ये कहते हैं कि देखो करप्ट एहतजाज कर रहे हैं, करप्ट एहतजाज कर रहे हैं। तुम्हें मैं पूछता हूं, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स करप्ट हैं? क्या यंग डॉक्टर्स करप्ट हैं? क्या किसान एतहाद करप्ट हैं? क्या ट्रेड यूनियंस करप्ट हैं? क्या हमारे ताजिर करप्ट हैं? क्या इस पंडाल में मौजूद गुजरांवाला के आवाम करप्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई करप्ट है तो ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अगर कोई करप्ट है तो ये नालायक ना अहल हुक्मरान है। इमरान कहता है कि मैं जमहूरियत हूं। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। ये अवाम, ये गुजरांवाला के अवाम जमहूरियत है। और अब ना सिर्फ हमारे सिलेक्टेड मगर हमारे सिलेक्टर्स को भी ये लाडला खेलना बंद करना पड़ेगा। उनको अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम के ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 70 साल जाया किया गया है, बस 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 कर दो। साथियों, हमने एपीसी पे सारे पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे को एक पेज पे खड़ा कर दिया, और अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है इस आखिरी और फैसला कुन लड़ाई के लिए। हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े, गौस बख्श बिजिंजो साहब, वली खान साहब, शाह अहमद नूरानी साहब के दस्तक
उसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे है जिसकी बलादस्ती के लिए हम आज जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम साथ थे मूवमेंट इन द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD में हम साथ थे। मियां साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत की जो आज तक हमारा मंशूर है। हम अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD में भी साथ थे। सदर जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, असफंदियार वाली साहब, हम सब 18वीं तरमीम पे भी दस्तखत हमारे हैं और इसी 18वीं तरमीम के तहफ्फुज के लिए हम आज निकले हैं। हमारे बलोच और पश्तून कॉमरेड्स हमारे साथ है। बच्चा खान के सुर्ख पोश हमारे साथ है। मौलाना के मुजाहिद हमारे साथ है। मियां साहब के मत वाले हमारे साथ है। और बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के जयाले हम सब एक पेज पे है। अब वक्त आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब इंशाल्लाह ताला तीर कमान से निकल चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक शुरू हो चुकी है। आज का तारीखी जलसा गुजरांवाला में और 18 अक्टूबर को हम आपके मेजबान होंगे। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मेजबान होंगे। हम कराची में सानिया कारसाज को मनाते होंगे। आपको एक और तारीखी जलसा करके दिखाएंगे और इन सिलेक्टर्स को और इस सिलेक्टेड को लरकार के रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तीर बिचाले दुश्मन से अब